हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू फाइंड न्यू अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। माय सेल्फ सौरभ सिंह। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइम एंड टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्रेस दिस डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। टाइम को हिंदी में हम समय कहते हैं और टेंस इसको काल कहते हैं। दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर है। आइए इस अंतर को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। अर्थात टाइम का प्रयोग हम किसी भी ग्रामर में समय बताने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी कार्य के समय को दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग हम ग्रामर में करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टाइम से डे, मंथ, ईयर का बोध होता है, अर्थात समय से दिन, महीना और वर्षों का पता चलता है, लेकिन टेंस से दिन, महीना या वर्षों का पता नहीं चलता है। अब आइए हम काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में जान लें। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, इसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में हम भविष्यकाल कहते हैं। अब हम तीनों टेंस को एक साथ समझेंगे। तो पहला है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, अर्थात किसी कार्य को हम चार प्रकार से दर्शाते हैं। पहला है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इस काल को अनिश्चित वर्तमान काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी कार्य प्रारंभ होता है उसके प्रारंभ होने का और उसके खत्म होने का पता नहीं चलता है, इसलिए इसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। अब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान जान लें। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आएंगे तो वो हमारे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस बनाकर। हमारा अफर्मेटिव का जो सूत्र है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एकवचनकर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट या कोई नेम, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई रीड अ बुक। यहाँ पर आई प्लूरल है, इसलिए यहाँ जो वर्ब है हमारी क्रिया रीड, इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में है। अब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है वह झूठ नहीं बोलती है, तो इसका ट्रांसलेट होगा सी डज नॉट टेल अ लाई। यहाँ पर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में के नेगेटिव में ही डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। एग्जाम्पल हम और देखेंगे, वह मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेट होगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। इस सेंटेंस में यहाँ दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया, ना कि डज नॉट। हमने आपको पहले बताया कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स में होते हैं, फर्स्ट एस या नो टाइप एंड सेकेंड डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है ना। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो तो उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले डू डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। और दूसरे प्रकार का है जब वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड में हो, तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम पत्र लिखते हो? तो इसका ट्रांसलेट होगा, डू यू राइट अ लेटर। यह वाक्य क्या से प्रारंभ है और अंत में ते हो आया है, अतः यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एस या नो वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। दूसरा है, तुम पत्र क्यों लिखते हो? तो इसका ट्रांसलेट होगा, व्हाई डू यू राइट अ लेटर। इस सेंटेंस में व्हाई का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू एच वर्ड में है। क्यों वर्ड आया, शब्द आया है, क्यों जो है डब्ल्यू एच वर्ड है, इसलिए हमने इस सेंटेंस को व्हाई से बनाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों फॉर्म अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है वर्तमान जारी कार्य, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो। आइए इसकी पहचान जान लें। पहचान है कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द दिए हों तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे और उसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एच आई एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एकवचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एच का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, राम बाजार से फल खरीद रहा है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, राम इज बाइंग फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। अब इस सेंटेंस में जो राम है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किए हैं और क्रिया में आई एन जी लगाए हैं। वाक्य अंत में देखिए रहा है आया है, जिससे पहचान हो रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्योंकि इसमें कार्य जारी है। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पल है, राम बाजार नहीं जा रहा है। इसका ट्रांसलेट होगा, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला एस नो क्वेश्चन वर्ड और दूसरे टाइप का जो है उसको कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड। अब हम दोनों फार्मूले को पहले देखेंगे। एस नो क्वेश्चन वर्ड का फार्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच वर्ड का फार्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत कहलाएगा। अब हम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एस नो पे है, क्या राधा मधुर गीत गा रही है? अब इस वाक्य के अंत में देखिए रही है आया है, रही है इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे है। तो इसका ट्रांसलेट होगा, इज राधा सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ क्या से वाक्य प्रारंभ है इसलिए ये एस नो क्वेश्चन वर्ड पे सेंटेंस है। आइए हम डब्ल्यू एच वर्ड पे सेंटेंस देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड पे सेंटेंस है, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मोहन जो है ये वोकेटिव केस में है, इसलिए मोहन सबसे पहले लिखकर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद का जो सेंटेंस है ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डब्ल्यू एच वर्ड पे बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस बनेगा, मोहन वेयर आर यू गोइंग। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, टेंस के बाकी बचे हुए हिस्से को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।